हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अथर्व और नेहा विद स्टडी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो हमारा ग्रामर टिप्स के ऊपर है कि आ फ्यू और आ लिटल को हम कैसे कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जैसे जान लेते हैं आ फ्यू कहाँ पे यूज़ होता है, जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, जो चीज़ काउंटेबल है, एंड आ लिटल यूज़ होता है अनकाउंटेबल, जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते। तो जैसे कि हमारा पेन हो गए, बुक्स हो गए, ये तो हमारा काउंटेबल है, और जैसे कि लिक्विड फॉर्म में पाउडर हो गया या वाटर हो गया तो ये अनकाउंटेबल है, तो इसके लिए लगेगा लिटल, और जो चीज़ काउंट हो सकती है उसके लिए फ्यू लगेगा। तो आइए करते हैं, जैसे कि आ डैश कॉफ़ी, तो कॉफ़ी क्या है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है क्योंकि कॉफ़ी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए लगेगा लिटल। आ डैश बुक्स, बुक्स को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो इसके लिए फ्यू लगेगा। आर डैश पीपल, पीपल को भी हम काउंट कर सकते हैं, मीन्स इंसानों को हम काउंट कर सकते हैं, तो फ्यू। आर डैश कप ऑफ कॉफ़ी, लेकिन यहाँ पे कॉफ़ी तो है पर कॉफ़ी को हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस क्या बनता है, कप ऑफ कॉफ़ी, तो कप ऑफ कॉफ़ी को हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा फ्यू आएगा क्योंकि कप में रखने के बाद वो काउंटेबल हो गई है। और आर डैश ऑरेंजेस, तो ऑरेंजेस भी क्या है, काउंटेबल है, ऑरेंजेस को हम काउंट कर सकते हैं, तो इसके लिए भी फ्यू यूज़ होगा। आर डैश ऑरेंजेस जूस, अब बात करते हैं यहाँ पे हमारा ऑरेंजेस जूस, ऑरेंज था तो काउंट तो हो रहा था, लेकिन ऑरेंज जूस है तो अनकाउंटेबल बन जाता है क्योंकि जूस को हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसके लिए यूज़ होगा लिटल। आर डैश बॉटल्स, बॉटल्स को हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि वो कोई लिक्विड फॉर्म में नहीं है, वो काउंटेबल है, तो यहाँ पे आएगा हमारा फ्यू। आर डैश बॉक्स, तो बॉक्स को हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसका आंसर आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये हमारा ग्रामर टिप्स अ फ्यू और लिटल, ये वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।